हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापरिया। और जैसे कि मैंने कहा था, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिस सीरीज को हमने नाम दिया है रीस्टार्ट। तो इस सीरीज के तहत मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स फिर से रिवाइज करवाने वाला हूँ और ये सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 देखा था, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। हमारा काम रहेगा चैप्टर नंबर 10 को हम लोग पूरा अच्छे से समरी से अच्छे से पढ़ लें। हमने हमारे पूरे के पूरे नोट्स बना रखे हैं इसके लिए। अगर आपको भी ये नोट्स खरीदने हैं तो इनकी हार्ड कॉपी आपके लिए अवेलेबल रहेगी फॉर जस्ट ₹299। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी अपने घर पर डिलीवर्ड चाहिए तो आपको ये आराम से मिल जाएगी। इसमें सारे चैप्टर्स के नोट्स प्लस इनके क्वेश्चन बैंक सारे के सारे अवेलेबल रहेंगे। आज मैं आपको इस पर्टिकुलर नोट्स में से पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने वाला हूँ। मैं चाहूंगा आप लोग अपना पूरा ध्यान यहाँ पे दें। सो आवर टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर। बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर हर इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसे, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर ही वो पर्टिकुलर सेक्टर होता है जो आपके इकोनॉमी को डेवलप करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर आपके इकोनॉमी के लिए बहुत सारा एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट करने की ताकत रखता है। एंड दैट इज द रीजन कि ये पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंस रहते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जब पढ़ने की बारी आएगी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भैया इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना गया है। सो इनको इंपॉर्टेंट मानने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। इन कुछ रीजंस को हम लोग यहाँ पे समराइज करने वाले हैं। सो इन सेक्टर्स के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के पीछे, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे पहले हमारे नेशनल इनकम में अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इट इंक्रीजेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में खूब सारा कंट्रीब्यूशन देता है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 27%। कितना? 27%। मतलब अगर हमारा देश 100 रुपए कमाता है तो 27 रुपए सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर से आते हैं। और सर जी, ये आंकड़ा बहुत पुराना है, ये 2013-14 का आंकड़ा है, मतलब आज से 10 साल पुराना डेटा है। आज ये कॉन्ट्रीब्यूशन और बढ़ चुका है। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंस, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत सारे लोगों को काम देता है। अगेन, आपके गुजरात बोर्ड में एक प्रॉब्लम है हमेशा से कि यहाँ पे डेटा बहुत पुराने होते हैं क्योंकि ये लोग बुक अपडेट नहीं करते हैं। तो आई एम सो सॉरी टू से, आपको एग्जाम्स में यही डेटा लिखने पड़ेंगे। कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो 24.3% एम्प्लॉयज जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में काम करते हैं। बट अगेन, ये डेटा 2011-12 का है, ये बहुत पुराना डेटा है। इसके बाद में इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इनकम एंड अर्निंग फॉरन एक्सचेंजेस। हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है और बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज की कमाई हमें यही सेक्टर देता है बेसिकली। नेक्स्ट वन, इधर ये हमारे इकोनॉमी को एक अच्छे डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके जाता है। अगर हमारा इंडस्ट्री डेवलप होता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारी इकोनॉमी भी अच्छी डेवलप हो रही है। इसके बाद में यह हमें मॉडर्नाइज करने में हेल्प करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, मतलब हमारी खेती जो आज से ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से चल रही है। भैया, जो आज भी बारिश के इंतजार में बैठे हैं खेडूत, जो आज भी फार्मर्स वेट कर रहे हैं कि कब बारिश होगी और कब जाके हमको आगे प्रोडक्शन करने का मौका मिलेगा, हमारे को इरिगेशन करने का मौका मिलेगा, वो सारा काम इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत इंडिपेंडेंटली मशीन्स के थ्रू करने में आपको मदद करता है। तो इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी मशीन्स आपके एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज करने में आपको मदद करती है। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्री आपके इकोनॉमिक को स्ट्रेंथन करता है, साथ साथ में इंडस्ट्री आपके सोशल स्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाता है। एक अच्छी इंडस्ट्रियल सेक्टर होती है तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंप्रूव होता है। सो दीज वर सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हाई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आर डैम इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आ गया, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्या रहता है। भैया, कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे वापस से हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। सबसे पहला, इंडस्ट्रीज को यहाँ पे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मनी। आपका कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके बेसिस पे हम लोगों ने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया। देखिए कैसे करा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कॉटेज इंडस्ट्री। ये सबसे छोटी वाली इंडस्ट्रीज होती है जो बहुत 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 मिनिमम कैपिटल से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर बेसिकली खाखरा मेकिंग इंडस्ट्री आ गया, पापड़ मेकिंग इंडस्ट्री आ गया, इनमें कैपिटल ना के बराबर होता है। सेकेंड होती है टाइनी इंडस्ट्रीज, इनमें कैपिटल लिमिट होती है लगभग 25 लाख की। यहाँ पे 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट रहता है तो इस इंडस्ट्रीज को कहा जाता है टाइनी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसे SSI भी कहा जाता है। यहाँ पे 25 लाख से ज्यादा पर 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होता है।
ये इंडस्ट्रीज बेसिकली छोटे मोटे टूल्स बनाते हैं, राइट, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ऑटो रिपेयर यूनिट्स बनाते हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है SSI, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसके बाद में आती है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज वो होती है जहां पे इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा होता है और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होता है। इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा होता है और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होता है, इन्हें कहा जाएगा मीडियम साइज या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली लेबर इंटेंसिव होती है, यहाँ पे भी कैपिटल जितना होता है उतना लेबर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये इंडस्ट्रीज बेसिकली मशीन, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट वन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा का होता है। दोस्तों वापस से मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ये सारे नंबर्स पुराने हैं, एज पर द लेटेस्ट डेटा ये सारे के सारे नंबर्स बहुत बदल चुके हैं, बट एज आई ऑलरेडी सेड यू दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इन योर बोर्ड एग्जाम्स यू हैव टू जस्ट फॉलो दीज पर्टिकुलर नंबर्स इटसेल्फ एज आर बुक इज आउटडेटेड। सॉरी आई कांट हेल्प इन दैट, बट दैट इज द बेसिक फैक्ट। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन से फिर से मेरे साथ याद करेंगे, सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री, उसके बाद में टाइनी इंडस्ट्री, उसके बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके बाद में मीडियम स्केल इंडस्ट्री और लार्जेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री, राइट, लास्ट हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऐसे करके टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 5 कैटेगरी में इंडस्ट्रीज को बांट के रखा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा फिर से कि कौन सी इंडस्ट्रीज ओनरशिप के बेसिस पे क्या क्या टाइप्स इनके होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप सबसे पहले आती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ये बेसिकली वो इंडस्ट्रीज होती है जो सरकार की होती है, जहां पे ओनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे मालिक भी सरकार होता है, सॉरी भाई नीचे आ जाओ थोड़ा सा, हाँ, जहां पे मालिक भी सरकार होता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट का ही चलता है, सो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को कहा जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सॉरी पब्लिक इंडस्ट्रीज, जहां पे ओनरशिप भी गवर्नमेंट की है और एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट का है, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसमें सारी इंडस्ट्रीज आती है जो आपके आसपास आपको पब्लिक सेक्टर में दिख रही है, जैसे कि रेलवेज हो गया, पोस्टेज हो गया, टेलीफोन हो गया। टेलीफोन में आजकल पब्लिक सेक्टर के नाम पे दो ही बची है, पहला है BSNL और दूसरा है MTNL, उसके सिवा मोस्टली सारा जा चुका है। बट हाँ, गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया के अंदर 33% स्टेक लेके रखा है, तो धीरे धीरे आप ये बोल सकते हो कि हो सकता है कल VI एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बन जाए, बट एज ऑफ राइट नाउ नहीं हो। सो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे ओनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सरकार का होता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो डायरेक्टली सरकार चलाती है अपने डिपार्टमेंट के अंडर। दूसरी होती है पब्लिक कॉर्पोरेशंस, ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या तो मिलके चलाते हैं या इनमें से किसी का एक कंप्लीट पार्टिसिपेशन होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इनका खुद का एक्ट होता है, ये अपने एक्ट के अंदर बनती है और इनकी खुद की रूल बुक होती है, इनपे कंपनीज एक्ट लागू होता नहीं है। और लास्ट होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली वो कंपनीज होती है जो सरकार बेसिकली मैनेज करती है कंपनी लॉ के अधीन रह के। ये पर्टिकुलर वो कंपनी होती है जिसके स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, जिसमें पब्लिक की भी ओनरशिप होती है, हम भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं जैसे कि ONGC हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया, ये सारी गवर्नमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं। बट क्योंकि ये पब्लिक डोमेन के अंदर है, इसकी अकाउंटेबिलिटी आपको भी मिलती है, इसलिए इन्हें जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है प्राइवेट सेक्टर कंपनी। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आर बेसिकली दोस कंपनीज विच आर कंप्लीटली मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जिनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, आप कार की कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिए, टाटा वगैरह जो भी हो, TV मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर बेसिकली दोस इंडस्ट्रीज जहां पे ओनरशिप राइट्स पब्लिक के पास होते हैं और उसके अंदर एक अलग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है जो कंपनी को चलाते हैं। ओनरशिप राइट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रहते हैं, आपके पास भी रहते हैं, हमारे पास भी रहते हैं, पैसे हम सब मिलके डालते हैं और BOD उनको मैनेज करता है। एंड लास्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर बेसिकली दोस पर्टिकुलर कंपनीज जिनको कोऑपरेटिव तरीके से मेंबर्स मिलके चलाते हैं। ये इंडस्ट्रीज बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती है या नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई जाती है, इन्हें बेसिकली कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, जिसको सरकार फाइनेंशियली कभी कभार अच्छा खासा हेल्प करती है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बेसिस पे 2 इंडस्ट्रीज बनती है। पहला होता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो कंज्यूमर कमोडिटीज बनाते हैं, जैसे कि साबुन बनाते हैं, सर्फ बनाते हैं, हमारे डेली यूज की कमोडिटीज बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। उसके बाद में आती है इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्रीज। ये वो गुड्स होते हैं या वो इंडस्ट्रीज होती है
जो रॉ मटेरियल बनते हैं बड़ी बड़ी लार्ज स्केल कंपनीज का, जैसे कि ये लोग यान बनाते हैं, स्टील शीट्स बनाते हैं, मशीनरी के छोटे मोटे पार्ट्स बनाते हैं, तो ये सारे काम करने वाली होती है इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज। इसके बाद में आते हैं, अब सरकार ने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या क्या मेजर्स उठाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा लोग मेरे साथ याद करने की कोशिश करना, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। सबसे पहला, स्टेट ओन एंटरप्राइज सरकार ने कोशिश करी है कि जो जो अच्छी अच्छी कंपनीज है या जो जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हमारे लिए, उसमें सरकार ने खुद ने अपना हाई रिस्क उठाते हुए अच्छे अच्छे कंपनीज में खुद ने पूरा पैसा डाला है और उन सेक्टर को डेवलप करने का जिम्मा सरकार ने खुद ने अपने सर पे लिया है। सो बहुत सारी स्टेट ओन एंटरप्राइज है जिसको सरकार खुद डेवलप कर रही है अपनी मेहनत से। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, एनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। सरकार हमेशा से कोशिश करती है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को एनकरेज करे कि भैया तुम भी आओ और इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करो। ये एनकरेजमेंट करने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स दे रखी है, जैसे कि आपको जमीनें देते हैं सस्ते दामों में, आपको इलेक्ट्रिसिटी पे या तो सब्सिडी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी कम दामों में मिलती है, आपको वाटर टैक्स ब्रेक्स और चीप तरीके से आपको फाइनेंसिंग के ऑप्शंस भी सरकार प्रोवाइड करती है, जिससे आप भी एक बड़ी इंडस्ट्री लगा के सरकार के लिए और अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सके। तो सेकंड, सरकार ने ये आपके लिए काम किया है, ये मेजर लिया है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। तीसरा मेजर्स, इंपोर्ट टैरिफ। अब सरकार बहुत स्मार्ट है, सरकार को पता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज डेवलप हो तो आपके बाहर आपको बाहर के गुड्स पे बैन लगाना पड़ेगा। जब तक बाहर से गुड्स इंपोर्ट्स होते रहेंगे हमसे गुड्स कोई क्यों खरीदेगा, इसलिए सरकार ने इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ा दिया, इंपोर्ट पे टैक्सेस ज्यादा लगा दिए और टैक्सेस लगाने से बाहर से आने वाली कमोडिटीज महंगी हो गई। अब उन कमोडिटी के महंगे होने से हमको क्या फायदा मिला कि हमारी कमोडिटी मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाती है, इसलिए इंपोर्ट टैरिफ लगा के सरकार अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कॉस्टलियर होने से बचाती है और बाहर वाले प्रोडक्ट को हमारे डोमेस्टिक मार्केट में पेनिट्रेट होने से रोकती है। ये काम होता है सरकार का, ये तीसरा मेजर है सरकार का। चौथा, सरकार आपको टेक्निकल स्किल्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। सरकार जानती है कि हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी उन एंटरप्रेन्योर्स को बड़े लेवल की कंपनी के साथ लड़ने के लिए स्किल्स और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो सरकार आपको वो सारे स्किल वो सारे टेक्निकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट। सरकार आपको बहुत सारे इकोनॉमिक सपोर्ट्स देती है, जैसे कि सरकार आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने में मदद करती है, सरकार आपको इंडस्ट्रियल कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करती है, इंटरनेशनल मार्केट को समझने में आपको मदद करती है। एंड नेक्स्ट इज, सरकार कोशिश करती है कि आपको अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करे, मतलब सरकार आपके लिए रोड्स बना के देगी, पानी की लाइनें लगा के देगी, बिजली आपके इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास आपको पहुंचा के देगी। सरकार कोशिश करती है कि आपको बैंक्स और इंश्योरेंस की अच्छी फैसिलिटी मिले जिससे आपके बिजनेस अच्छे खासे ग्रोथ लेवल पे जा सके। इसके बाद में सरकार आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बना के देती हैं जो स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए होती है, जैसे कि IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक को स्पेसिफिक पर्पस के साथ बनाया गया था कि आपका काम है आप इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करो, फिनेंशियली भी और एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करो कि अगर इनको कहीं कुछ कमी आ रही है तो आपको उस कमी को दूर करने में इनको मदद करनी है, राइट? तो इस तरीके से सरकार अलग अलग इंस्टीट्यूट बना के भी आपको मदद करती है। इसके बाद में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आंसर गाइज, अब सरकार ने बना रखा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, सुनना ध्यान से। सरकार चाहती है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हो जो अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन बाहर बेचे, इंडिया के बाहर लेके जाए, क्योंकि जब इंडिया की कंपनीज बाहर एक्सपोर्ट करेगी तो इंडिया को बहुत सारा फॉरेन रिसोर्सेस मिलेगा, तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व एनहांस होंगे, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने से इंडिया की करेंसी स्ट्रांग होगी। इसलिए सरकार इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार ने बना रखा है या बहुत सारे बनाने वाले हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये वो जोन होते हैं जिनका मेन पर्पस होता है कि वो किसी भी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करे। ये जोन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, ये जोन कंप्लीटली फ्री कंट्रोल फ्री एनवायरमेंट में बनाए जाते हैं। इस जोन में सरकार बिल्कुल भी इंटरफेयर करती नहीं है, इन जोन में बहुत सारे बेनिफिट सरकार आपको प्रोवाइड करती है, जैसे कि सरकार आपसे टैक्सेस वगैरह नहीं लेती है, सरकार आपको टेक्निकल सपोर्ट्स देती है, सरकार वहां पे आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को इजीली आप तक प्रोसेस करवाती है, तो ऐसे करके बहुत काम सरकार करवाती है।
अब इंडिया में कम से कम 8 SEZs बने हुए हैं, ये भी बहुत पुराना आंकड़ा है, I'm so sorry to say। जैसे सबसे पहला सेंटा क्रूज महाराष्ट्र, कोची केरला, खंडाला और सूरत गुजरात में आ गया, चेन्नई के अंदर तमिलनाडु के अंदर चेन्नई आ गया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम आ गया, वेस्ट बंगाल के अंदर फाल्टा और उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा। ऐसे करके सरकार ने 8 इकोनॉमिक जोन बना के रखे हैं। ये सारे के सारे इकोनॉमिक जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन जोन के अंदर सरकार ने बहुत सारा फॉरेन फंडिंग आपको अलाउ करके रखा है। अब अगली बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। भैया ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हमने बहुत कहानियां सुनी है, SSI काम क्या आते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 डिकेड्स के अंदर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने करीबन करीबन 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक के बीच में बहुत सारी कंपनीज बनाई हैं और इन्हें लाखों करोड़ों लोगों को जॉब दे रखा है। देखो एक बात समझना, ये SSI इंडस्ट्रीज के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, एंड दैट इज द रीजन इनके यहाँ पे लेबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। बेसिकली ये कैपिटल से ज्यादा लेबर डिपेंडेंट होती है, लेबर इंटेंसिव होती है, एंड दैट इज द रीजन की SSI बहुत सारा जॉब क्रिएशन करती है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। इसलिए SSI इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन है, क्योंकि ये हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को अच्छी खासी नौकरी प्रोवाइड करती है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्यों SSI को इतना इंपॉर्टेंट माना गया इन द फॉलोइंग पॉइंट्स डेटास के साथ। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि SSI हमारे लिए बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने में मदद करती है। जैसे कि SSI इंडस्ट्रीज ने नियर अबाउट 249.33 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया था 2001-02 में। माय गॉड, 22 साल पुराना आंकड़ा हमको दिखा रहे हैं और लास्ट अपडेटेड है 2011-12 का, जहां पे हमने 1012.59 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था। अगेन ये डेटा 12-13 साल पुराना है, अभी इसका कंट्रीब्यूशन छप्पड़ फाड़ के है, छप्पड़ फाड़ के बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट ये क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड, इनका बहुत छोटे छोटे करके ये लोग इतना बड़ा हो जाते हैं कि इनका प्रोडक्शन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होता है। लेटेस्ट आंकड़ा देखें तो यहाँ पे करीबन करीबन 18,34,332 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ था 2011-12 के अंदर। 11-12 में इतना प्रोडक्शन लोगों ने किया था, सोचो ये भी आंकड़ा 10 साल पुराना है, तब 18,34,000 करोड़ लगभग था, आज ये कितना होगा आप सोच सकते हो। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट्स अगर हम देखें तो बहुत बढ़ गए हैं। 2011-12 का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे करीबन करीबन 447.73 लाख यूनिट्स इन लोगों ने प्रोड्यूस किए थे। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट 11-12 2006 साल का डेटा दिया हुआ हमारे पास लास्टली, जहां पे करीबन 1,77,600 करोड़, यस 1,77,600 करोड़ एक्सपोर्ट जनरेट किया इन्होंने हमारे लिए, विच इज ग्रेट। और ये 2006-07 का है, 15 साल पुराना है, आज तो कहां होगा आप सोचो। ये लेबर इंटेंसिव भी है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने काम भी देके रखा है। सो ये इंपॉर्टेंस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। इसके बाद में इन्होंने बहुत सारे हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचा के रखे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हमारे देश में रहकर बहुत सारा प्रोडक्शन कर देती है, तो इन चीजों के लिए हमें बाहर वाली इकोनॉमी पर डिपेंडेंट होना पड़ता नहीं है। नेक्स्ट, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अच्छा प्रोडक्शन करके दिखाया हमें, इन्होंने हमारे रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस कर दिया। भैया पहले क्या होता था कि सारी की सारी इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर एरिया में सीमित हो जाती थी, जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यूपी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो अब इन लोगों ने क्या किया, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज कितने सारे नए नए एरिया में लगा दी, जिसके कारण हमारी पॉपुलेशन स्कैटर हो गई है और हमारा रीजनल बैलेंस होने लग गया है। मतलब सिर्फ एक या दो स्टेट ग्रो नहीं हो रहे हैं, सारे स्टेट को आगे बढ़ने का इक्वल मौका मिला है बिकॉज ऑफ SSI। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन। SSI ने बड़ी बड़ी कंपनी के हाथ के पावर निकाल निकाल के छोटे वालों में भी बांट दिया है, कि सारा प्रोडक्शन करने का या सारा एक्सपोर्ट करने का ठेका लार्ज स्केल वालों का नहीं है, हम लोग भी ये काम कर सकते हैं विद मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि सरकार का यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पॉसिबल हो पाया। एंड द लास्ट इज हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट। SSI का डेवलपमेंट की रेट्स बहुत सारी है, SSI इंडस्ट्री अच्छा खासा प्रोडक्शन करती है, अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट करती है, गजब अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करती है, और बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में ये प्रॉफिटेबल खुद को बना लेती है। सो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और इसके साथ हमारा समरी खत्म हुआ है। आगे हमारे क्वेश्चन बैंक्स आते हैं इस चैप्टर के, जहां पे हमने आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स निकाल के रखे हैं। इस चैप्टर में से आने वाले सारे MCQs हमने इसमें बना रखे हैं,
इस चैप्टर में से मिलने वाले सारे के सारे 1 मार्क 2 मार्क आंसर्स हमने आपके लिए बना रखे हैं, साथ में बड़े आंसर्स। तो आप में से जिस किसी को भी ये नोट्स चाहिए, आप अपने कमेंट में खाली नीचे जाके लिख दीजिए नोट्स, हमारे बंदे आपको मैसेज या कॉल कर देंगे, या फिर आपको हमारा मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप हमें संपर्क करके, हमें व्हाट्सएप करके आप अपने बुक को अपने घर पर डिलीवर करवा सकते हैं। लास्ट टाइम एग्जाम के लिए हमारी बुक सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है, आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं कि इस बुक से पढ़ के आपके बहुत सारे जो टफ काम है उसको हम बहुत सिंपल बहुत ईजी आपके लिए कर देंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग, बाय।